चलिए अब देखिए टमाटर हो चुके हैं ऑलमोस्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए बैंगन और कटे हुए आलू। ये डालकर अब इसे आप अच्छे से मिक्स करें और इसे मीडियम आंच पर ही पकाएं। इसमें आप अपने स्वाद के हिसाब से हरी मिर्च और लाल मिर्च डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक और गरम मसाला। नमक भी आपके स्वादानुसार डालेगा, लगभग 2.5 टीस्पून। तो अब इसे अच्छे से मिलाएं और जब ये इसे पकने दें, इसे बंद कर दें, इसे ढककर पकने दें धीमी आंच पर।